आवाज़ियों से मैं हूँ आकाश न्यासी। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की लेडी जो है सिक्योरिटी गार्ड, उसके साथ इज्तमाई जिंसी ज्यादती का वाकया पेश आया है, जिसकी FIR जो है थाना सिविल लाइन गुजरात में दर्ज करवाई गई है। नफीसा रानी नामी एक लड़की जो है, जो कि कादर कॉलोनी गुजरात की रहायशी है, उसकी तरफ से एक इज्तमाई ज्यादती की जो FIR है बाजूरम 376 थाना सिविल लाइन गुजरात में दर्ज करवाई गई है। नफीसा रानी की दर्ज करवाई गई FIR के मुताबिक शाम 7 बजे वो अजीज भट्टी शहीद अस्पताल से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जो ही बाहर निकली तो उसका जो करीबी रिश्तेदार है, जो कि गाड़ी में सवार था, जिसका नाम उसने नवीद रशीद जो है सकना रशीद कॉलोनी गुजरात बताया है, उसने उसके करीब आकर कहा कि मेरी गाड़ी में बैठो, मैंने तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जिसके बाद नफीसा रानी जब उसमें बैठी तो उसके मुताबिक कि उसमें उसका भाई जो है नवीद रशीद का दूसरा भाई जो है अली बाबर भी मौजूद था और नामलूम ड्राइवर था। उन्होंने मुझे अगवा कर लिया और वहां पर उन्होंने चलती गाड़ी में ही, ये कहना है नफीसा रानी का कि चलती गाड़ी में ही मुझे जो है दोनों भाइयों ने, नवीद रशीद ने और अली बाबर दोनों ने इज्तमाई ज्यादती का बारी बारी निशाना बनाया और इसके बाद मुझे जो है जहूर इलाही स्टेडियम की जो पिछली साइड है जहाँ इस वक्त आप मौजूद हैं, यहाँ पर मुझे जो है उतार कर मौका से थाना सिविल लाइन पुलिस ने इस संगीन वाकया के बाद जो है जैवकुआ का मुआयना किया और इसके बाद जो है मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। मगर ताहाल जो है दोनों मुलजमान जो भाई हैं इनकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में ना आ सकी है। ज़िला गुजरात में खवातीन और बच्चों के साथ जिंसी ज्यादती के जो वाकयात हैं ये खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।